मैं आपको रैखिक प्रोग्रामन का सवाल समझाने की गारंटी दे रहा हूँ, तो आप इस गारंटी को कितना ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हो, कितना ज़्यादा महसूस कर रहे हो कि हाँ सर ने मुझे समझा दिया या मुझे समझ में आ गया, या इसके पहले मैं थोड़ा बहुत डाउट में था और अब सर की वीडियो देखने के बाद मुझे 100% क्लियर हो गया है कि फिगर कैसे बनेगा, कैसे कोनी बिंदु सेलेक्ट करेंगे, किस बिंदु को छोड़ेंगे और कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर कितना होगा। तो इसी क्रम में मैं ये सवाल लाया हूँ। इस सवाल में फिगर एक्स एच वाई एच को सटा के नहीं बनेगा, हटा के बनेगा, सटा के नहीं हटा के बनेगा, दूर बनेगा, कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, देखा जाएगा अभी इस वीडियो के अंदर। देखिए ये सवाल है, इस सवाल में क्या ज्ञात करना है, मैं जरा एक नज़र देख लूँ। इसमें न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? न्यूनतमीकरण। ये बात यहाँ पर लिख लें नहीं तो भूल जाएंगे। देखो न्यूनतमीकरण निकालना है। मैंने बोला था कि मैं रैखिक प्रोग्रामन का सवाल करने के लिए केवल 6 काम करता हूँ। 4 अंगुली दिखा रहा हूँ लेकिन बोल रहा हूँ 6 काम करता है। ये अब हो गया 6 काम करना है। क्या x की मान 0 रखना है, फिर y का मान 0 रखना है, फिर दोनों समीकरण को हल करना है, फिर फिगर बनाना है, फिर चार्ट बनाना है, फिर क्या करना है, फिर आंसर देना है। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर गलती से 3 लिखा था लेकिन सवाल में है 2। अब इसको मैंने ठीक कर दिया, अब हल करते हैं। यक्स का मान एक बार हम 0 रखेंगे तो वाई का मान कितना रखना पड़ेगा, ये 0 हो गया तो वाई का मान 1 रखेंगे, ठीक। अब फिर वाई का मान अगर हम 0 रखते हैं तो यक्स का मान मुझे कितना रखना पड़ेगा, 3। एक काम हुआ, दूसरा काम इधर करो, वही एक्स का मान 0 रखोगे तो वाई का मान कितना पा जाओगे, 0 रखोगे तो वाई का मान 2, फिर वाई का मान 0 रखोगे तो वाई एक्स का मान तुम्हें 2 रखना पड़ेगा। अब जरा यहाँ जाओ, दोनों समीकरणों को हल कर लो। एक्स प्लस 3y बराबर 3 और एक्स प्लस वाई बराबर 2, घटाएंगे तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2y = 1, y = 1/2, तो x = आ जाएगा 3/2। यहाँ पर 1/2 रखोगे, 2 में से घटेगा तो 3/2 आएगा एक्स वाई का मान। पहला काम हुआ, दूसरा काम हुआ, तीसरा काम हुआ, चौथा काम फिगर बनेगा। फिगर कैसे बनेगा भाई साहब, बहुत ही शानदार तरीका है। देखो हम एक यहाँ पर देखो सबसे बड़ा अंक कितना है, 2 2 2 3 1, तो 1 3 2 1 3 2 में से 3 सबसे बड़ा है, तो हम 4 4 खाना बनाएंगे, 2 3 4, 1 2 3 4 बन गया बिंदु। एक बार 0 1 0 हो गया, 1 हो गया ये वाला, ठीक है। एक बार 0 3 3 0, x का मान 3, y का मान 0, 1 2 3 यहाँ पर ऐसे जा रही एक रेखा, ठीक है। बिंदु लिख देते हैं 0 1, यह 3 0, ठीक है। अब क्या करना है, एक बार 0 2, एक्स का मान 0, वाई का मान 2, यहाँ पर 0 2, फिर 2 0, यानी यहाँ पर ये क्या है, 2 0 है। इनको इनको मिला दीजिए, ऐसे मिला दिया आपने, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों जहाँ एक दूसरे को कैंची में काट रही है, रेखा और ये रेखा, यहाँ पर ये कितना बिंदु हो गया, ये वाला हो गया 1/2, 3/2, 3/2, 1/2, ये कितना हुआ, 3/2 और 1/2। बड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ लेकिन आपको बोल के सुना रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है। ये हो गया। हाँ अब फिगर कैसे बनेगा, मैंने बोला था आपसे कि जब ये बड़ा वाला चिन्ह इधर हो, बायां पक्ष बड़ा हो, दायां पक्ष छोटा हो, बायां पक्ष बड़ा हो, दायां पक्ष छोटा हो, तो फिगर एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर नहीं बनेगा, इसके बाहर बनेगा, इधर इधर इधर, समझ गए। ये सब एरिया लेकर बनने लगेगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर अब कोनी बिंदु क्या, कितना कोना मिला आपको? कोना मिला ये वाला, कोना मिला ये वाला, और कोना मिला ये वाला। तो नाम रख देते हैं जरा ए बी, और इसका नाम है सी, सी है ये, ठीक है ना, ए बी सी। बस तीन ही बिंदु से हम कोनी बिंदु निकालेंगे। लिखेंगे कोनी है बिंदु, कोनी है बिंदु। पहला वाला 0.2, दूसरा वाला 3/2, 1/2, तीसरा वाला 3.0। 0.0 नहीं लिखेंगे क्योंकि भाई साहब यहाँ पर फिगर नहीं है। फिगर जिधर रहेगा फिगर में से ही कोना लेंगे, फिगर के अंदर से कोना लेके कोनी बिंदु निकालेंगे। ठीक है, आपको बड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा यार, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। जेड बराबर क्या लिखा ऊपर है, 3x+5y। मान रखिए जेड का, जेड का मान निकालिए। 0 2 रखेंगे यहाँ, 0 यहाँ 2 रखेंगे, 2×5 10 हो गया। 3/2 1/2 रखेंगे, 3/2 1/2 इसमें रखेंगे जब, तो 3×3=9/2, 5×5=2, 9/2 5/2, 9×5=14/2, 7 आ जाएगा। और ये जेड का मान कैसे आएगा, यहाँ से 3 रखो एक्स की जगह पर, 3×3=9, और 2 रखने पर 2×5=10। कौन ज़्यादा भैया, कौन ज़्यादा, कौन ज़्यादा? अच्छा, न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है तो ज़्यादा वाला नहीं लेना है, इसमें कम वाला लेना है। न्यूनतमीकरण का मतलब हुआ कम से कम वाला बताओ, तो इसमें सबसे कम कितना, 7। तो उत्तर हो जाएगा न्यूनतमीकरण का मान बराबर 7। आंसर ये हुआ आपका आंसर, क्लियर है? अगर थोड़ी बहुत चूक रह गई हो तो माफ़ करना, मैंने जितना भी समझा आपको समझाने के लिए कि भाई मुझे इस तरीके समझाना चाहिए, इतना प्रयास करना चाहिए, इस तरह बताना चाहिए, उतना बता दिया। और इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है कि मैं और भी तरीका बताऊँ, जो तरीका था मैंने आपको बता दिया। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया ये आपके माइंड लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं।